चलिए आज मैं आप लोग को भगवान श्री राम जी का पेंटिंग बनाने का जो स्केच है उससे दिखाता हूँ। आइए और हमारे पेंट ब्रश के साथ में अभी एंजॉय कीजिए। आइए बस इतना ही। सभी लोग कहीं ना कहीं श्री राम जी का वीडियो जो है वीडियो डाल रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रभु श्री राम जी का पेंटिंग सभी पेंटर डाल रहे हैं। श्री राम जी अभी आगामी 22 तारीख को हमारे भव्य अयोध्या में पधार चुके हैं और पधारने के बाद में अभी उनका पूजा अर्चना चालू हो गया है। और एक खुशी है कि अब जो दिवाली एक बार बनाया जाता था वो दिवाली अब दो दो बार बनेगा। तो हम लोग अष्टोक लगा रहे हैं। अष्टोक लगाने के बाद अभी बहुत सारा काम है। थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसीलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो को तो मिक्सिंग एडिटिंग करने के बाद में हम लोग उसको छोटा बनाते हैं वीडियो को। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो इसलिए कट कट करके हम लोग बनाने के काम करते हैं। हल्का फुल्का हमसे भी गलती होता है उस गलती को फिर जब कलर करेंगे उसमें सुधारेंगे। कलर करने के बाद में उसे सुधारने का काम करेंगे हम लोग। ये हाथ जो बनाने का काम जो कर रहे हैं वो सबरी माता जी का है जो बेर पकड़ी हुई है और हमारे प्रभु श्री राम जी को ना जाने कितने बरस से इंतजार था इनका कि वो आए और अपना जो भी है सबरी जी का जो है स्वागत करने का। एक अपना ही है जंगल का ही फल जो कि बेर होता था बेर के नाम से उस बेर को प्रभु जी को देते हैं खाने के लिए कि भूखा है प्रभु जी उनको जो जुड़ जाए उनके पास में स्वागत करने के लिए उसी से वो स्वागत करते थे। अब ये देखना है कि हमारे प्रभु श्री राम तो आ गए हमारे अयोध्या में। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे कि वैसे लोगों को भगवान जी थोड़ा सद्बुद्धि दे। हमारा भारत चांद पे कदम रख रहा है। चांद पे कदम रखने के बाद समझिए तो अभी दूसरा ग्रह में भी अब अपना पांव पसारेंगे। पर हमारे गांव में लोग अभी भी छुआछूत कर रहे हैं। बड़ी जाति ऊंचा जाति का भेदभाव अभी भी बरकरार है। इस छुआछूत का जो भेदभाव है इसके थोड़ा सा दूर होना चाहिए। भगवान श्री राम जी उन लोगों को सद्बुद्धि देंगे जो उस रीति रिवाज को पकड़े हुए हैं जिससे कितने लोग आहत होते हैं।
हमारे वीडियो में देखने के बाद बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हम प्रदूषण पे कुछ वीडियो बनाएं, नशा मुक्त हो, प्रदूषण हो, इसमें वीडियो बनाने का बोलते हैं कि वीडियो थोड़ा बनाइए। तो समय जैसे ही मिलेगा तो नशा मुक्त का भी वीडियो बनाएंगे हम लोग। नशा मुक्त पूरे भारत में है, और आप भी कोशिश कीजिए कि जो भी कोई पेंटिंग बनाइए तो उससे कुछ ना कुछ उद्देश्य झलके, झलकने से कुछ पेंटिंग में उद्देश्य रहने से यह लोगों तक एक उद्देश्य जाता है कि जो भी पेंटर का जो दिमाग है वह किस तरह से है। और उसका जो सोच है पूरे समाज के लिए क्या सोच है, इसीलिए कुछ ना कुछ इस तरह से वीडियो का काम करने का काम करें, बनाने का काम करें, या अपना पेंटिंग में इस तरह का कुछ करेक्टर लाएं, कुछ इस तरह का ड्राइंग सेट बनाएं, जिससे कुछ उद्देश्य झलके हमारे देश के लिए, लोगों के लिए। सभी लोग कहीं ना कहीं नशा से पूरा देश बहुत बुरी तरह से डूबा हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग उड़ता हुआ पंजाब देखे थे। उड़ता हुआ पंजाब में बहुत तरह का नशा से लोग, विदेश से जो आता है उसका नशा के लोग पड़े हुए थे, और अंत में बहुत से लोग तौबा करते हैं। और आज हमारा जो पंजाब जो है थोड़ा सा नशा मुक्त हुआ है। कुछ कुछ जो ट्रेबल है उसको हम लोग बाद में जो पेंटिंग में जो होता है, अगर गलत आउटलाइनिंग हो गया है तो उसको फिर बाद में हम लोग ब्रश से या कलर भरने के दौरान में ही हम लोग उसको, उस त्रुटि को थोड़ा सा दूर करते हैं। उस त्रुटि को दूर करते हैं और फिर कलर भरने का, जो भी इसको कलर भरेंगे उसका वीडियो भी हम आप लोग तक जरूर शेयर करेंगे। हमारे प्रभु श्री राम जी सबरी जी का भी जूठा बेर खाए हैं और उनको उद्धार किए। अगर प्रभु श्री राम के जैसा सोच अगर हमारे देश के सभी लोगों में रह जाए तो कोई भी मानवता से भेदभाव नहीं रहेगा। और जो कहते थे ना कि उस जमाने राम के ज़माने में राम राज था, पर राम राज अब भी बरकरार है। ऐसा नहीं कि राम आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो राम राज का जो नाम था वो बरकरार रहेगा। सभी लोग को सद्बुद्धि देंगे जो हमारे इस हमारे छोटे छोटे गांव में भी अभी छुआ जो है वो दूर मिटे, मानव से प्यार हो, लोग समझे इस बात को कि अब हमारे प्रभु श्री राम जी आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं अब हम लोग छुआ से हटें। आज का नया जनरेशन जो पढ़ाई वढ़ाई जो करते हैं वे लोग छुआ से अभी नहीं मानते हैं, और हम कोलेरी बेल्ट में रहते हैं तो इस चीज़ को ध्यान देते हैं कि यहाँ के हम लोग जितने भी लोग हैं जो भी बाहर से आए हैं, बड़े बड़े शहरों से भी आए हुए हैं, वे लोग कभी भी छुछवाद की भावना हमारे कोलेरी फील्ड में नहीं है। पर एक मौका था कि मैं भी बिहार के नवादा गांव में गया हुआ था पेंटिंग करने शादी का, तो वहां के लोगों को देखे कि जो क्या बोले, जिसको दलित बोलते हैं
दलित लोगों को साथ में बहुत ही बुरा भेदभाव है, बहुत दिन हो गया हुआ था पर अब लगता है कि वो चीज़ ख़त्म हो गया होगा, कि अब छुआछूतोसा रहा नहीं होगा। और ये दिन हो सकता है प्रभु श्री राम जी जो हमारे देश में आए हैं रामलला का, अब ये भेदभाव भी मिटेगा, भेदभाव मिटना भी चाहिए। जब इसको कलर करेंगे तो हम लोग बहुत सी चीज़ों को ध्यान देंगे। इसका हाथ बड़ा तो कहीं नहीं हो गया है, अब हम लोग थोड़ा सा सबरी जी को बनाने के काम करते हैं, जो बहुत ही दिनों से श्री राम जी का तपस्या कर रही थी और वो हमेशा राम 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 कहते रहती थी। ये हम लोग उसमें फूल बनाने का काम करेंगे, फूल पहना हुआ है। जब कलर जब हम लोग करेंगे तो इस जो भी त्रुटि होगा उसको हम लोग कलर के माध्यम से हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। और कोशिश करें कि आप भी जब पेंटिंग बनाएं तो जो भी अगर थोड़ा सा दिक्कत होता है तो पहले स्केचिंग कर ले। स्केचिंग करने से ये होगा कि आप सही स्ट्रोक लगाइएगा। कलर इसका जो काम करेंगे तो कोशिश हमारा यही रहेगा कि जो भी त्रुटि है उसको दूर करें और कलर से इसको भरने के काम करेंगे। हेडलाइट को ध्यान देते हुए कि हमारे सबरी माता थोड़ा सा बूढ़ी हुई थी तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है जो शक्ल का जो है वो बनाते वक्त हम लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे कि थोड़ा सा उनका शक्ल में झुरिया भी था तो झुरिया भी बनाने के काम करेंगे। सब लोग
हम लोग दर्शा दे रहे हैं थोड़ा सा ब्रश के माध्यम से। आउटलाइनिंग बेस जो बाल जो है उसको भी कर देते हैं। मैं बहुत ही छोटा से रामायण जिसमें स्टार्ट हुआ था उसमें इतना होश था कि क्या कैरेक्टर है, क्या पात्र है या कौन क्या है उसके बारे में समझता था। और राम को शकल में एक अलग ही तेज था। वो जब भी कोई बात करता था तो लगता था कि कुछ ना कुछ ज्ञान की ही बातें कर रहा है। कभी भी जब भी वो मुंह खोलते थे तो सही मायने में वो रामायण में जब भी मुंह खोले हैं राम जी तो कुछ ना कुछ जानकारी की, जो कि हमारे समाज के बारे में जानकारी हो या क्या बोलिएगा उस टाइप का ही बनाते, ये उनका शक्ल में पता चलता था, उनके बोली से पता चलता था कि कुछ न कुछ सीखने का जो होता है समाज में सीखने का, एक सीख देने का ही काम करते थे। और बहुत ही उनका जो शक्ल में जो तेज था वह देखने लायक था। अरुण गोविंद जी अच्छा काम किए रामायण में, रामायण में बहुत ही अच्छा काम किए। सीता मैया भी जो रोल किए हैं, दीपिका क्या नाम तो है इनका, दीपिका, और वो भी बहुत ही शानदार, इतना अच्छा शानदार तरीके से काम किया है। लगता था कि सीता मैया साक्षात हमारे बीच आ गए हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से लगता था कि सही मायने में रामायण का कुछ पात्र को हम लोग देख रहे हैं। ये हम लोग थोड़ा सा हाथ का तीर पर धनुष पकड़े तो हुए बना देंगे। जो भी त्रुटि होगा उसको हम लोग जब कलर से बनाएंगे तब हम लोग कलर से काम करेंगे। ठीक है, कुछ वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होगा तो भी इम्पोर्टेंट जो भाग है उसको बनाएंगे जरूर। उसको छोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे। जो भी त्रुटि होगा या जो भी वीडियो में बना लिए हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम ही गलती हो। और ये जो भी गलती है वो हमको लगता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वही थोड़ा जान पाते हैं या आर्टिस्ट प्रतीक होते हैं। बहुत से लोग आपको आपकी वीडियो को भी देख के कमेंट करेंगे कि क्या बनाया है, तो आप डरने का नहीं, आपका भी टाइम है, आया हुआ है, उस टाइम का पूरा फायदा उठाइए। एक फोटो खराब होगा तो क्या हुआ, फिर दूसरा हम लोग बना सकते, बनाइएगा दूसरा बनाइए, वो जरूरी नहीं कि आपको जल्द ही
हम लोग साइड में हम लोग लक्ष्मण का भी क्रिएट करेंगे थोड़ा सा पेंटिंग, और ये हम लोग थोड़ा सा पेड़ बना दे रहे हैं, पेड़ का थोड़ा सा बर का जो पेड़ होता है, वट का पेड़ होता है, उसे हम लोग वट के, और थोड़ा सा हम लोग का बॉर्डर जो है वो पेंटिंग का जो धनुष जो है हमारा आधा कट चुका है थोड़ा, तो ये हमारा पेंटिंग अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, अभी इनका बहुत सा काम बचा हुआ है। कमेंट लोग करते हैं कि मैं खाली बोर्ड लिख पाता हूँ और स्केचिंग नहीं कर पाता हूँ, तो उन सभी से मेरा आग्रह है कि एक वीडियो पहले भी मैंने अपलोड किया हूँ जिसमें सिखाया गया है कि किस तरह से हम लोग पेंटिंग को स्केच तैयार करेंगे, पहले बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में डार्क करने का काम करेंगे, हाथ को नोटिस करेंगे, अभी जो हम लोग राम जी का जो पेंटिंग बना रहे हैं उसको वीडियो हमारे भाई महादेव जो हमारे मौसी का लड़का है वो वीडियो बना दे रहा है। अनुभव को थोड़ा सा कमी है, हम पर भी कमी है, क्या है कि एक प्रोफेशनल जो होता है यूट्यूबर उनके पास में बहुत तरह का साजो सामान रहता है, मेरे पास में भी होगा, कोशिश करेंगे लेते हैं, लेंगे, लेने के बाद में अच्छा वीडियो बनाएंगे। थोड़ा हम लोग इसके पीछे में राम जी का लक्ष्मण जी का बना देते हैं, बेर खा रहे हैं, तो दूर कैमरा मोबाइल को ले जा, राम जी सभी जी का तो उनका दिया हुआ जो सबरी जी चखते थे उनका बेर तो खाया, पर हमारे जो लक्ष्मण जी थे शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या, पर सबका अपना अपना मन होता है, और नहीं खाने की वजह से भी कहीं ना कहीं
लोग बताते हैं कि जब लक्ष्मण जी का जब सबरी जी राम दे रहे थे तो मतलब सबरी जी बेर दे रहे थे तो वह बेर को नहीं खाकर उसे फेंक देते थे, और जो जिसको मुख से नहीं लगाता था उसी बेर को वह ग्रहण करते थे। तो जो भी बेर लक्ष्मण जी ने फेंका वही बेर संजीवनी बूटी का काम, संजीवनी जो बूटी था वह बना, और संजीवनी बूटी जब हनुमान जी लेके आए तो उनका जो इंद्र का द्वारा जो बाण लगा था अब वो मूर्छित हो गए थे। तो लोग कहते हैं कि वही जो बेर था वह संजीवनी बूटी का, संजीवनी बूटी बनता है जिससे कि उनका प्राण जो है बचता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इतना सोचना चाहिए कि आज हम लोग ठीक है, गलत आदमी के सोच और उसके द्वारा ही लोग मानवता को भूल गए और छुआछूत कर रहे थे, और अब राम जी आए हुए हैं तो यह भी दूर हो जाएगा। अब लोग सभी लोग इंसान को इंसानियत की तरह जानेंगे और कुछ बात को मिटाएंगे। थोड़ा सा अस्टेंड नहीं है, अस्टेंड लेंगे तो वह वीडियो बनाने में आसान रहेगा। आप सभी से, हमारे वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि हमारे जो चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का जो घंटी है उसे ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसे आप तक पहुंच जाए। मैंने लक्ष्मण का भी स्केच तैयार कर दिया है और लक्ष्मण भी धनुष पकड़ा हुआ है। तो जब कलर करेंगे तो बहुत सा त्रुटि है उसको दूर करेंगे, और पूरा जो पेंटिंग है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे जो ये स्केच जो तैयार हुआ है, और स्केच जो मैंने बनाया हूँ उसमें कुछ गलती हुआ होगा उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल से बने रहिएगा, सभी को धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाते हैं इसके लिए भी मैं
आपसे क्षमा चाहता हूँ। जब फ्री रहेंगे तो कमेंट का जवाब जरूर देंगे, तथा हमारे वीडियो को देखें। तब के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड। अभी बहुत सा काम बचा हुआ है, इसमें जो भी बारीकी जो काम करना है उसे हम लोग जो पेंटिंग बनाएंगे, कलर करेंगे, उसमें हम लोग बारीकी बनाने के काम करेंगे, कलर भरने से पहले। धन्यवाद। गुड नाइट। शाम को वीडियो बना रहे हैं इसीलिए गुड नाइट कह रहे हैं।